पलवल में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले पक्ष की तरफ से 4-5 राउंड फायरिंग की गई। गोली चलने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान दो महिला व एक व्यक्ति पर छर्रे लगे हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि जैसे ही उन्हें गोली चलने की सूचना मिली तो वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल किसी तरह से कोई शिकायत नहीं मिली है, यदि शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। वहाँ पे कृष्णा कॉलोनी में गली नंबर 16 में हमने अपना स्कूल बनाया हुआ है, तो स्कूल के साथ हमने एक जमीन खरीदी अपनी, जिसमें क्या था कि चारों यानी कि एक तरफ हमने अपनी बाउंड्री वगैरह करी थी। उस बाउंड्री को छोटी सी बाउंड्री थी, उन्होंने रात रात में हमारे पड़ोसी ने, जिनमें महकन, उसका पति, उसके दोनों लड़के, एक तेजराम और तेजराम की लड़के की घरवाली जिसका नाम शाम है, लड़के की घरवाली चंद्रवती है, चंद्रो या चंद्रवती जो भी नाम था, तो उन्होंने क्या किया, वो दीवार रात रात में चिन दी, उसके पीछे घुसके कट्टे वगैरह रख दिए जिससे कि वो हमारा रास्ता ना खोल सके। हमने वो जैसे ही वो दो चार ही ठहराना स्टार्ट किया, उन्होंने दूसरी तरफ से गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। तेजराम और उसके लड़के ने मेरे को धमकी दी कि मैं तुझको गोली मार दूँगा। परमवीर सिंह है, एक रिटायर्ड एसआई जो नारनौल से 2019 जून में रिटायर हुआ है। उसका प्लाट बाबत रामेश्वर, तरुण, अरुण वगैरह जो श्यामनगर के रहने वाले, उनका कोई आपसी विवाद था जो अभी संज्ञान में आया था कि भाई आज गोली चली है। कंट्रोल रूम के माध्यम से चौकी इंचार्ज जो फिलहाल रामजी ने सही उनके माध्यम से इतला मिलने पर मैं मौके पर पहुँचा। इंचार्ज साहब भी मौके पर पहुँचे, डीएसपी साहब मौके पर आए हैं। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी सूचना कंप्लेंट प्राप्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इतला थी फायर हुआ है और घटनास्थल से हमने एक रौंद भी और एक सिक्का भी उठाया है और ये मालूम हुआ है कि भाई इनका जो प्लाट पर विवाद था उस पर झगड़ा हुआ है और अभी जो एक पार्टी थी जिस पे इंजर्ड है लगभग छर्रे लगे हैं दीवार पे छर्रे लगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।